हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक एडजस्टेबल सोल्डरिंग आयरन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज अभी तक के मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब वाले रेड बटन के नीचे दिए गए हुए नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप। हाय गाइस, तो एडजस्टेबल शोल्डरिंग आयरन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें कुछ MDF बोर्ड के टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस मेज़रमेंट के अनुसार भी आप इसे काट सकते हो, मैंने मेज़रमेंट दे दी है एंड आप अपने हिसाब से भी इसे काट सकते हो। और इस ग्राउंड वाले MDF बोर्ड के अनुसार हमें एक ऊपर वाला MDF बोर्ड काट लेना है, पतला वाला। और इसमें हम स्विच एंड सॉकेट एंड रेगुलेटर लगाने वाले हैं। पंखे वाला रेगुलेटर हम लगाएंगे, तो मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो चलिए, इसका पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। तो हम इसका बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से हम इसमें बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज़ करेंगे और हम इसमें फेविकॉल लगाएंगे। तो मैं जल्दी से इसमें फेविकॉल लगा देता हूँ। अच्छे तरीके से हमें चिपका लेना है। और यहाँ पे हमें ये साइड वाले MDF बोर्ड लगा लेने हैं। मैं ये साइड वाले MDF बोर्ड लगा लेता हूँ। एंड हम ये छोटे वाले MDF बोर्ड भी लगा देंगे। तो अब हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं। हाय गाइस, हमने इसे पूरा बना लिया है एंड ये सूख चुका है। तो अब हम इसके ऊपर वाला सिस्टम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसके ऊपर वाला सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस ऊपर वाले MDF बोर्ड में हमें ये पूरे रेगुलेटर बटन एंड सॉकेट को अच्छी तरीके से सेंटर में रख के मार्क कर लेना है। तो मैं जल्दी से इसको मार्क कर लेता हूँ। मैंने इसको मार्क कर लिया है। तो अब हम इसको ड्रिल मशीन से होल कर लेंगे। तो मैं जल्दी से इसमें ड्रिल मशीन से होल कर लेता हूँ। गाइस, तो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसमें होल करके नट बोल्ट कस लिए हैं। तो अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो इस रेगुलेटर में से कोई भी वायर ले लेना है और इसको छील के हम स्विच वाले ऊपर के पॉइंट पे हम यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं जल्दी से इसमें इसको लगा देता हूँ।
गाइस मैंने इसमें ये वायर फिट कर लिया है और दूसरा वाला वायर हम इस सॉकेट के एल वाले हिस्से पे एल वाले पॉइंट पर लगा देंगे। तो मैं जल्दी से इसकी भी वायरिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइस हमारी वायरिंग पूरी हो चुकी है। तो अब हम मैं डबल से इसको बता देता हूँ, ये वाला वायर हमारा स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे जा रहा है और दूसरा वाला वायर हमारे सॉकेट के लाइन वाले पॉइंट पे जा रहा है। तो अब हम इस बॉक्स में एक वायर के लिए होल कर देंगे। तो मैं जल्दी से इसमें, तो गाइस मैंने इसमें होल कर लिया है एंड वायर को इसमें लगा लिया है। अब हम इसकी पूरी वायरिंग कर लेंगे। तो इसमें हम रेड वाला हम इसके स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगाएंगे। तो मैं जल्दी से इसमें इसको लगा लेता हूँ। एंड माइनस वाला हम यहाँ पे सॉकेट के माइनस वाले टर्मिनल पे लगाएंगे। नहीं तो मैं जल्दी से इसको तरीके से यहाँ पे लगा लेता हूँ। और इसे हम इसको टाइट कर लेंगे। तो गाइस वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं रेगुलेटर का वायर हमारे स्विच के फर्स्ट टर्मिनल पे है एंड उसका रेगुलेटर का सेकंड वायर हमारे सॉकेट के लेफ्ट वाले इसमें है। एंड ये जो हमारी मेन लीड का प्लस वाला टर्मिनल स्विच के नीचे वाले इसमें है एंड ब्लैक वाला हमने सॉकेट के माइनस वाले पे लगा दिया है। तो अब हम इसको पैक कर लेंगे। तो मैं जल्दी से इसको पैक कर लेता हूँ। गाइस हम इसमें फेविकॉल लगा के अच्छी तरीके से पैक कर देंगे। तो मैं इसमें फेविकॉल यूज़ करूँगा। तो मैं जल्दी से इसमें फेविकॉल लगा के इसमें ये कर लूँगा। तो मैं जल्दी से इसे पैक कर, गाइस ये सूख चुका है। अब हम इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मैं एक 200 वाट का बल्ब ले लूँगा एंड इसके पिन में हम ये 200 वाट रेगुलेटर का 200 वाट बल्ब के वायर लगा लेंगे। एंड हम देख आप देख सकते हैं ये ग्लो हो रहा है एंड कम ज़्यादा भी हो रहा है। अब हम इसमें एक सोल्डरिंग आयरन लगाएंगे। तो जल्दी से मैं इसमें सोल्डरिंग आयरन लगा लेता हूँ। तो मैं इसको प्लगिंग कर देता हूँ एंड इसे मैं सेंटर में सेट कर लूँगा। तो गाइस ये गर्म हो रहा होगा। तो मैं इसमें एक ख़राब वाले 6280 का PCB का यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हो ये गर्म होने का है। तो गाइस ये गर्म हो चुका है। तो आप देख सकते हो सोल्डरिंग वायर पिघल रहा है। तो मैं इस PCB से वायर निकाल के दिखा देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो PCB का वायर निकल चुका है एंड मैं सेंटर से थोड़ा कम उसे सेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो अच्छी तरीके से वर्क करता है। एंड मैं अभी आपको वही वाला वायर सॉल्व भी करके दिखा दूंगा।
अच्छे तरीके से ये वर्क करता है एंड आपका ये 100 रुपये में कंप्लीट बन जाएगा। एंड आप देख सकते हो ये जल्दी से 1 सेकंड में सॉल्व भी हो चुका है, अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।